بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم انشاءاللہ today we will be start lecture number 10 chapter number 3 multiplication and division topic multiplication tables 6 till 9 I am your mathematics teacher my name is Nadeem Ahmed Khan zikr ke fazail حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد جس کا مفہوم ہے کہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کرنا جنت کی کنجیاں ہیں اللہ تعالی ہم سب کو اپنا ذکر کرنے اور نمازوں کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ ٹوڈے We will be able to multiply numbers up to three digits by one digit with and without carry. Take out the page number 86, book 3. Question है हमारे पास यहाँ What is 304 multiplied by 2? तो इस सवाल में हम क्या करेंगे 304 को 2 से multiply करें. अब देखें इसको हम solve करते हैं, explain करते हैं. ये 304 लिखा हुआ है और मल्टीप्लाइड बाय 2 और फिर ये लाइन ड्रॉ हुई हुई है और ये ब्लैंक है तो प्यारे बच्चों 2 का टेबल तो आपको बहुत अच्छी तरह आता होगा 2 मल्टीप्लाइड बाय 4 इज इक्वल टू 8 2 मल्टीप्लाइड बाय 0 इज इक्वल टू 0 0 लिख दीजिए फिर 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 इज इक्वल टू 6 6 लिख दीजिए अब आप देखें कि ये जो है वंस प्लेस है और ये टेंस प्लेस है और ये हंड्रेड प्लेस अब देखिए चार्ट में भी शो करके दिखाया गया है वंस प्लेस में काउंट कीजिए कितने वन है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट एट वंस है ये आपने एट लिख दिया फिर आप देख रहे हैं टेंस प्लेस में टू जीरो जीरो कोई नंबर नहीं है जीरो का मतलब कुछ नहीं तो यहाँ कोई नंबर नहीं लिखा हुआ फिर आप आ जाए हंड्रेड प्लेस पर अब आप हंड्रेड को काउंट कीजिए वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सिक्स हंड्रेड तो यहाँ पे आप लिख दीजिए सिक्स तो ये क्या हो गया सिक्स हंड्रेड एट 304 मल्टीप्लाइड बाई टू इज इक्वल टू 608 ये हमारा आंसर है टेक आउट द पेज नंबर 86 बुक 3 क्वेश्चन नंबर 1 है मल्टीप्लाई तो प्यारे बच्चों ये क्वेश्चंस हैं हमें इन्हें मल्टीप्लाई करना है तो एक क्वेश्चन क्या है हमारा 34 मल्टीप्लाइड बाय 2 और ये ब्लैंक है अब 2 का टेबल 4 टाइम्स पढ़िए 2 4 जार 8 8 लिख दीजिए 2 3 जार 6 6 लिख दीजिए तो हमारा आंसर क्या है 68 बी क्वेश्चन क्या है हमारे पास 31 मल्टीप्लाइड बाय 3 और ये लाइन ड्रॉ हुई हुई है और ये ब्लैंक है तो अब आप 3 का टेबल पढ़िए 3 वन जार 3 3 3 जार 9 93 ये हमारा आंसर है सी क्वेश्चन है हमारे पास 143 और 2 से हमें इसे मल्टीप्लाई करना है तो प्यारे बच्चों 2 का टेबल तो आपको बहुत ही जहन नशीन होगा सबको याद होगा 2 3 जार 6 2 4 जार 8 2 1 जार 2 286 ये हमारा आंसर है डी क्वेश्चन क्या है हमारे पास 212 मल्टीप्लाइड बाय 3 3 2 जार 6 3 1 जार 3 3 2 जार 6 636 ये हमारा आंसर है Now let's learn about carrying over. 4 times 3 equals 12. I write 2. I carry the 1.
4 times 4 equals 16. 16 plus 1 equals 17. I write 7. I carry the 1. 4 times 2 equals 8. 8 plus 1 equals 9. I write 9. 243 times 4 equals 972. Now let's try with another number. 3 times 5 equals 15. I write 5. I carry the 1. 3 times 7 equals 21. 21 plus 1 equals 22. I write 2. I carry the 2. 3 times 3 equals 9. 9 plus 2 equals 11. I write 11. 375 times 3 equals 1125. Take out the page number 86, book 3. Question number 2 hai. Find the product of each of the following pairs of numbers. Ab is sawal mein keh rahe hain ki har ek pair of numbers ka product maloom kijiye. To pyare bachcho, product kya hota hai? Multiply. Ab hum is questions ko explain karte hain. अब एक क्वेश्चन क्या है हमारे पास, 2 and 41. हमें इसका प्रोडक्ट मालूम करना है. अब आप देखिए 41 लिख दीजिए, फिर मल्टीप्लाइड बाय 2 लिखिए, फिर ये लाइन ड्रॉ कर दीजिए. अब 2 का टेबल पढ़िए. 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 इज इक्वल टू 2. 2 मल्टीप्लाइड बाय 4 इज इक्वल टू 8 82. 2 एंड 41 का प्रोडक्ट क्या है? 82. और यही आंसर है. बी क्वेश्चन है 4 and 12. अब हम इसका सॉल्यूशन करते हैं. 12 लिखिए, फिर मल्टीप्लाइड बाय 4 लिखिए, फिर ये लाइन ड्रॉ कीजिए. अब 4 का टेबल पढ़िए. 4 टाइम्स 4 मल्टीप्लाइड बाय 2 इज इक्वल टू 8. 4 मल्टीप्लाइड बाय 1 इज इक्वल टू 4. तो 4 एंड 12 का प्रोडक्ट हमारे पास क्या आया? 48. और यही हमारा आंसर है. सी क्वेश्चन है हमारे पास 302 and 3. अब सॉल्यूशन करते हैं इसका. 302 लिख दीजिए, फिर मल्टीप्लाइड बाय 3 लिख दीजिए, और ये लाइन ड्रॉ कर दीजिए. अब 3 का टेबल पढ़िए. 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 इज इक्वल टू 6. 3 मल्टीप्लाइड बाय 0 इज इक्वल टू 0. 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 इज इक्वल टू 9 906. ये प्रोडक्ट है, आंसर है. 112 and 4. अब हम इसको सॉल्यूशन करते हैं. डी क्वेश्चन 112 लिख दीजिए, फिर मल्टीप्लाइड बाय 4. अब 4 का टेबल पढ़िए. 4 मल्टीप्लाइड बाय 2 इज इक्वल टू 8. 4 मल्टीप्लाइड बाय 1 इज इक्वल टू 4. 4 मल्टीप्लाइड बाय 1 इज इक्वल टू 4. तो 112 एंड 4 का प्रोडक्ट हुआ 448. और यही हमारा आंसर है. माय डियर स्टूडेंट्स, डू योर होम असाइनमेंट्स विद नीट एंड क्लीन हैंडराइटिंग in your notebook. प्यारे बच्चों, अब आप इस आंसर की से अपने आंसर मैच कर लीजिए. माय डियर स्टूडेंट्स, डू योर होम असाइनमेंट्स विद नीट एंड क्लीन हैंडराइटिंग इन योर नोटबुक. प्यारे बच्चों, अब आप इस आंसर की से अपने आंसर मैच कर लीजिए. प्यारे बच्चों,
अब आप इस आंसर की से अपने आंसर मैच कर लीजिए। जज़ाकल्लाहु खैर।